सही साहब कहना आपके लिए मैडम, इंदर आदमी बिल्कुल सच्ची बात आ रही है। इनका क्या कहना है कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, फिर तुम्हारे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद आज आपके साथ कराची के शहरियों का सबसे फेवरेट बुफेट डिनर का व्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, मैं 2003 से यहाँ आ रहा हूँ, तकरीबन 18-19 साल हो गए, और इनके खाने के जायकों में जो मुझे डिशेज यहाँ पे पसंद हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क मैंने नहीं पाया। और पूरा हफ्ता रश का ये आलम है कि बगैर एडवांस बुकिंग के आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती। फूड रिव्यू से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आए यहाँ के खानों का रिव्यू करते हैं। चाइनीज में अगर देखा जाए तो चाइनीज फ्राइड राइस के साथ चिकन कंग पाओ जो है, ये देख रहे हैं आप, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा। और इसमें मुझे पीनट की कुछ क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा लगी, क्योंकि खाने में जो है वो काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। ड्राई बीफ चिली का लुक और टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मगर बीफ थोड़ा सा इसमें टेंडर नहीं था। तंदूरी फिश टिक्का जो है ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। पहले यहाँ कभी वाइट पम्फलेट हुआ करती थी, मगर आजकल ये फिश क्यूब शेप में जो है वो दे रहे हैं। मुझ समेत यहाँ का सबका फेवरेट जो बड़े लोग शौक से खाते हैं, प्रॉन टेम्पूरा। इसकी जो स्पेशल सॉस है उसके साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। व्यूअर्स, मैंने जो यहाँ पे खाने खाए मैं उनका रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी जो जो डिशेज यहाँ मौजूद थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, जो चीज़ मुझे पसंद हो ज़रूरी नहीं कि वो सबको पसंद आए। हमारे बच्चे जब आते हैं तो शाही अलीम बड़े शौक से खाते हैं, मैंने पेशावरी चपली कबाब जो है वो टेस्ट किया, जो कि बहुत क्रिस्पी अच्छा टेस्ट है। और ये मटन हालाना का कढ़ाई, जिनको मटन पसंद हो उनके लिए ये अच्छा है। लाल किला में बाकी ये जो दरबारी हैं, इनकी वजह से बच्चे और बड़े जो हैं वो महसूस होते रहते हैं। किसी की अगर सालगिरह हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री केक पेश किया जाता है। चिकन बम्बई बिरयानी देखने में बहुत अच्छी है, ज़ाहिर इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, मगर मेरा भी एक रिकॉर्ड है कि 18-19 साल में मैंने आज तक यहाँ की बिरयानी जो है वो टेस्ट नहीं की। ये शाही बटेर है जो कि यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, इसका भी मेरा एक रिकॉर्ड है कि शुरू से लेकर आज तक मैंने कभी इसे टेस्ट नहीं किया। सर्दियों के मौसम में तो यहाँ लाइनें लगी होती हैं। बुफे डिनर की दो शिफ्ट होती हैं यहाँ पे, हमारी सेकंड शिफ्ट थी और अब तकरीबन रात के 11:30 बज चुके थे, जो कि अब खाली होना शुरू हो गया था। यहाँ बुफे डिनर में डेली बेसिस में कुछ डिशेज जो हैं वो प्लस माइनस होती रहती हैं, और आज बारबेक्यू सेक्शन में जो है वो तीन चीज़ें देखने में आई, जिसमें तिल वाला टिक्का, पेंसिल कबाब और रेशमी कबाब था। मुझे चिकन तिल वाला टिक्का और रेशमी कबाब का टेस्ट जो है वो अच्छा लगा, जबकि बीफ जो है वो मैंने ट्राई नहीं किया। स्टार्टर के तौर पे यहाँ पे दो सूप थे, चिकन कॉर्न सूप और टोमेटो क्रीम सूप। यहाँ पालक पनीर और शालीमार हांडी भी मौजूद थी, शालीमार हांडी का टेस्ट कुछ अच्छा था।
तो आए चलते हैं यहाँ की मेरी टॉप की फेवरेट डिश की तरफ। शुरू से लेके आज तक ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है जो कि ख़त्म हो चुकी थी और उन्होंने दोबारा मुझे तैयार करके दिया। ये देश परदेश की रेसिपी है, कभी ये प्लस माइनस होती रहती है। व्यूअर्स, जब मैं फूड रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा एक खातून है, वो अपने हर फूड कलेक्शन में यहाँ आती हैं और एक गोलगप्पा जो है वो ट्राई करती हैं। शायद ये गोलगप्पों के मुख्तलिफ फ्लेवर उनको बहुत अच्छे लगे। आए उनसे फूड रिव्यू करते हैं कि उनको लाल किला में कौन सी डिश पसंद आई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि आप 3-4 दफ़ा आ चुकी हैं गोलगप्पा खाने के लिए। बहुत टेस्टी है। तो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा और क्या आपको अच्छा लगा था? मटन कढ़ाई भी अच्छी है, प्रॉन भी अच्छे हैं, मटन कुन्ना भी अच्छा है। अच्छा। और पास्ता भी अच्छा है। यानी आपको काफी सारी डिशे यहाँ पे अच्छी लगी? सारी डिशे मैंने। और स्वीट में आज की कुल्फी अच्छी है। अच्छा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पुडिंग और क्रंच कुल्फी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आए यहाँ के सबके फेवरेट से ज्यादा सलीम से मिलते हैं। एजाज अली उनकी बेगम के लिए शेर है कि दिलों के लबों पर तबस्सुम नहीं तो कुछ भी नहीं, और लबे सबिस पे तरन्नुम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नज़ारे बाहर इलाकों में सब कुछ बेकार है। महफिल में एजाज अली और उनकी मलिका आलिया नहीं तो आज लाल किले में कुछ भी नहीं। दिल की लगी कोई क्या जाने, दिल की लगी कोई क्या जाने, ये दिल ही जाने ये दिल रुबा जाने, ये दिल ही जाने क्या ये दिल रुबा जाने। दिल को दिल सिर्फ तेरी मोहब्बत ने बना रखा है। एजाज अली कह रहे कि दिल को दिल तेरी मोहब्बत ने बना रखा है, वरना इस बंदाए नाचिस में क्या रखा है, और अगर तुम उठ जाओ इस महफिल से तो सारे लाल किले में ही क्या रखा है। सही साहब कहना आपके लिए मैडम, इंदर आदमी बिल्कुल सच्ची बात आ रही है। इनका क्या कहना है कि कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, फिर तुम्हारे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। 25 साल हो गए जिंदाबाद साहब, आपको 25 साल हो गए इस नाचिस में, 31 साल हो गए उसके बाद फिर कभी और किसी तरफ नहीं देखा। जिंदाबाद आपने साबित कर दिया है और मैडम ने तस्दीक कर दी है, आपकी दीन भी सवर गया, आपकी आखिरत भी सवर गई, दुनिया भी जिंदाबाद होगी। रात के तकरीबन 12:15 बज चुके थे, अब ये भी क्लोज कर रहे थे सब कुछ। वापसी पे सबको पान पेश किया जाता है और आखिर में मुझे इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कम देखने में नज़र आ रहे थे। देखिए व्यूअर, मैं लाल किले के बुफे डिनर की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। व्यूअर्स, आज का ये बुफे फूड रिव्यू आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिल सकें।